फीफा वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है तो आपने अभी से ही शायद मोबाइल गेम ढूंढना शुरू कर चुके हैं। फुटबॉल गेम का क्रेज भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा इस वर्ल्ड कप में, या फिर बढ़ भी चुका है। तो आज आप सबके लिए बेस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ऊपर एक मोबाइल गेम लाए हैं जिसका नाम है ई फुटबॉल। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। हाँ मुझे पता है, काफी सारे दोस्तों को ये गेम उतना पसंद नहीं आएगा गेम के बग्स के कारण, लेकिन यार भरोसा करो बहुत ही ज्यादा सुधर चुका है अपडेट के बाद। अगर अभी इस गेम को डाउनलोड करके खेलोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। चल झूठा, यकीन नहीं ना? तो देखते रहो इस वीडियो को, सब कुछ आपको इस गेम के बारे में बताएंगे, वो भी गेम को खेलते हुए। अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे तो ई फुटबॉल के ऊपर और भी गेम प्ले हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो कहीं भी पसंद आ जाए लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दो इस फुटबॉल गेम को अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए आ चुके हो, इसी तरह से किसी भी गेम का गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के। तो करना, ई फुटबॉल एक सिंगल प्लेयर या फिर इसे मल्टीप्लेयर फुटबॉल मोबाइल गेम बोलना भी सही होगा, जिसे पीसी और कंसोल के लिए भी लॉन्च किया गया है। मुझे जितना याद आ रहा है इस गेम को ऑफिशियली 2017 में रिलीज किए थे, तब इस गेम में इतने सारे बग्स थे आपको क्या बताए। आप गेम को अराउंड 3GB के आसपास डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन अंदर में भी काफी ज्यादा डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें से कमेंट्री का डेटा अलग, रिवॉर्ड्स के लिए अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो अभी जब हम इस गेम को खेलेंगे तो इसका साइज अराउंड हो चुका है 4.5GB। अभी इस गेम को प्ले स्टोर पर रेटिंग मिला हुआ है 3.4, लेकिन रेटिंग पे मत जाना, अगर जब तक आप खुद नहीं खेलोगे तो आपको गेम के बारे में पता भी नहीं चलेगा। बात तो सही है। इसमें आपको बहुत सारे नेशनल टीम मिल जाते हैं खेलने को, यानी यूज करने को, जिसमें इंडियन टीम भी शामिल है रियल प्लेयर्स नेम के साथ। बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स है, खासकर इसके मैकेनिक्स मुझे काफी पसंद आए। गेम में आप सिंगल प्लेयर मोड खेल पाओगे, पीवीपी का भी ऑप्शन है और साथ में बहुत सारा इवेंट्स है। अभी तो यार नए नए इवेंट्स ऐड हो चुके हैं जिसे आप खेलते हुए एंजॉय भी करोगे। तो चलो अभी हम भी एक गेम खेल के एंजॉय कर लेते हैं ताकि आपको गेम प्ले के बारे में भी अच्छे से पता चल सके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले इस गेम का नाम था, मुझे जितना याद है, PES, अभी इसे चेंज कर दिए हैं। अगर आपको अच्छे से पता है कमेंट करके जरूर बताना। गेम बना है अनरियल इंजिन के ऊपर और इसके डेवलपर है कोनामी, जिसके बारे में तो यार बच्चे को भी पता है। और इस गेम को आप ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे। ऑब्वियसली आजकल के जितनी भी सारे गेम रिलीज हो रहे हैं ज्यादातर गेम जो है ऑनलाइन ही होते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा होम स्क्रीन है, 4-5 ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर आपको कॉमेंटेटर सिलेक्ट करना है इंग्लिश हो या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस हो तो यहाँ से डीएल कमेंट्री लैंग्वेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हम इंग्लिश को ही डाउनलोड किए हैं, ऑब्वियसली दूसरे लैंग्वेजेस में कुछ तो समझ में नहीं आएगा। तो चलो अभी सीधे चलते हैं इवेंट के तरफ। एम फॉर 5+ पॉइंट्स। ओके जी, इंडियन टीम को सिलेक्ट करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। हमारा टीम का जो रेटिंग स्टार है 1.5 के आसपास, मतलब ज्यादा अच्छा टीम नहीं है, फिर भी हम अच्छे से खेलने की कोशिश करेंगे और कम से कम इस मैच को तो जीतेंगे जरूर। टूनिशिया वर्सेस इंडिया। नॉकआउट मैच है। मनवीर सिंह के पास गेंद आ चुका है, बहुत ही आसानी से ले जाते हुए और ये पहला गोल बज गया। टारगेट में मारना था बस, कोई दिक्कत नहीं, और भी चांसेस मिलेंगे। चलो जी मनवीर सिंह, अरे यार फिर से ले लिया। आदिल खान जल्दी आगे बढ़। अरे क्या कर रहा है यार। संदेश, गेंद बहुत हार्ड, अब पास दे दे। थोड़ा खोल लेते हैं अपने प्लेयर्स को। मनवीर सिंह फिर से गेंद ले जाते हुए, अरे यार पास देना चाहिए था। छेत्री जी हैं, आराम से चांस मिल रहा है, लेकिन गोल में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं और ये पोस्ट पे लगा। कोई दिक्कत नहीं, और भी चांस मिलेंगे। प्रेशर बनाते हुए, अरे यार अगर पास दे देते तो और भी अच्छा होता। जल्दी ये हुई ना बात,
मनदीप सिंह के पास, फिर से गेंद, कम ऑन यार, थोड़ा तो क्लियर कर दिया करो। और ये गोल, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। मनवीर सिंह ने पहला गोल डाल दिए हैं इस मैच का। सेलिब्रेशन देख रहे हो, मनवीर सिंह के पास फिर से गेंद, फिर से दौड़ेंगे हम लेके गेंद को, ये तो क्लियर है और ये गोल दे यार, कम ऑन यार। अरे यार कहां टैकल किया, बहुत हार्ड। राहुल जी, केएल राहुल नहीं है, कोई दूसरे ही राहुल है। मनवीर सिंह के पास फिर से गेंद, क्या पास देना चाहिए, नहीं देंगे क्योंकि हम सीधे जाएंगे गोल की तरफ। अरे मार भी दे चित्री जी, ये कुछ ज्यादा ही इंटेंस मैच चल रहा है। मनवीर सिंह के पास फिर से गेंद, बहुत स्लो हो गए। चार पांच चांसेस मिले हैं लेकिन उसे गोल में नहीं तब्दील कर पाए। फिर से कम ऑन, फाउल नहीं होगा। अब तो दे दे गोल, कौन दिए दूसरा गोल, मनवीर सिंह फिर से, मजा आया। कम ऑन, पास नहीं दे पाए लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद ट्यूनिशिया का 0 इंडिया का 2। प्रोफेशन है 55% हमारा। चलो सेकंड हाफ में भी हमें डोमिनेट करना होगा। चेत्री जी के पास क्लियर और ये गोल, फेस तो सही नहीं है लेकिन जो भी हो नाम तो कम से कम सही है। तीसरा गोल, सेकंड हाफ का पहला गोल। कोई नहीं चलता है, कभी कभी होता है थोड़ा बहुत गलतियां। मनवीर सिंह काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं यार, इसके वजह से थोड़ा चांस ज़्यादा उनके लिए खुल। चलो गोल, हमारा बात है कंप्लीट नहीं हुआ, इस तरफ गोल डाल दिए हैं। क्लियर है। छेत्री जी के लिए क्लियर है, गोल, पांचवा गोल। एक भी चांस नहीं दिए उनको हमारे गोल पोस्ट तक लाने की। ऑफसाइड मत हो जाना, कम ऑन यार, दो बार अटेम्प्ट किए और दो बार ही मिस होता हुआ। कॉर्नर किक, आगे आ जाओ, गोल नहीं, थोड़ा और क्रॉस करना था। काउंटर कर रहे हैं, जल्दी से पीछे चलो, टैकल कर दे, पता था। येलो कार्ड, पांच मिनट एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर चुके हैं। मनवीर सिंह, अरे यार बहुत स्पीड से लेके जा रहे थे। गेंद लेना है, कम ऑन, बहुत सही। फाउल का मांग चल रहा था और इसी के साथ मैच खत्म, पैसा हजम। इंडिया ने ट्यूनिशिया को हरा चुके हैं 0-5 से। बहुत ही अच्छा मैच था, एंजॉय भी किए और उम्मीद करता हूँ आप सब भी इस गेम प्ले को देखते हुए एंजॉय किए होंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो और भी गेम प्ले लाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साइड के लोगो बटन को दबा के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और एक लाइक तो करते हुए भी जाना। तो चलो अगर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में प्रेजेंटेशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।